अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगी हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट की स्कीम जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, जिसके काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। जो काफी गैस है मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं कुछ बिजी थी, ठीक है, इसकी वजह से नहीं कर सकी थी। अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है, तो बच्चे साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं, ठीक है, और ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आप लोग तक आती रहें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में बता दो, सबसे पहले तो बच्चे स्कीम मैंने डिटेल में बताई हुई है, वहां से देख लीजिएगा। अभी मैं जैसे लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगी, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो लॉन्ग क्वेश्चन को तो जरा चेक कर लो। मैंने आपको बताया था कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन जो है उसमें आपका पेयर बनेगा, ए और बी पार्ट होगा, ठीक है, और 1 चैप्टर और 14 चैप्टर का पेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 2 और 8 का पेयर बनेगा। चाहे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 6 और चैप्टर नंबर 9 का पेयर बनेगा। 8 क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 और 11 का पेयर बनेगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चैप्टर नंबर 4 और 12 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो पेनिंग आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं, जो चैप्टर इजी लगता है उसको आप कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ, चैप्टर वाइज बता रही हूँ, और आज मैं काफी आहिस्ता बोल रही हूँ, ज्यादा स्पीड से नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे काफी बार बच्चों के कमेंट आ गए हैं कि आप टीचर जी बड़ा स्पीड से बोलती हैं, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जरा आहिस्ता बोलूँ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 के बच्चे आप करो सारे ही, लेकिन उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, समझो कि इनको जरूरी करो, ठीक है। उसमें आ जाता है गिव एडवांसमेंट या इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाउ बायोलॉजी हैज बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, ठीक है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करो। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। उसके बाद ये फर्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर वाला, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने लिख दिए हैं, प्रोक्रियोटिक वाला और यूकेरियोटिक वाला, इसको जरूर करो। लाइसोसोम्स वाला, ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके राइट फंक्शंस जो है ना, इनको जरूर देखो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में 3 लोगों क्वेश्चन थे जो बहुत बार बार रिपीट हो रहे थे, खासतौर पर ब्रीफ नोट हेपेटाइटिस वाला, ठीक है, डिजीजेस वाला तो पक्का क्वेश्चन वन रिपीट होता ही है, मतलब बार बार आता ही है, ठीक है। वायरस वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन वाला इन बैक्टीरिया, ये वाला भी इम्पोर्टेंट था, ये तीनों बार बार आ रहे थे, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इनको जरूर करना, लिख के जरूर देखा करो, ठीक है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उनको लिख के जरूर देखा करो। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। इन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ इन डिटेल राइट अ नोट लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ अडाइंटम वाला, ये वाला भी करो, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चे मैंने सारे बता दिए, अब आप इनको अच्छे से करना, और करने के बाद लिख के जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियोज है वो भी बताई जाऊंगी, वो भी आप जरूर देखते रहना, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक दे दूंगी। तो फिर याद करवा रही हूँ, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग तक आती रहे, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि इसके बाद भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।